नहीं भैया इधर मिस्टर नहीं, ये मैं दो तीन बार घूमने के लिए आ चुका हूँ उधर में, तो ये मणिपुर स्टेशन है। तो चलो किस मणिपुर का है? क्या क्या मिलता उधर में? घर पे एक है, घर पे एक है। नहीं मुझे दिमापुर, तो मैं कल दिमापुर पे पहुंच गया था, तो थोड़ा लेट हो गया था, तो इसके लिए मुझे मणिपुर जाने के लिए गाड़ी नहीं मिला है। तो अभी मैं दिमापुर रूम पे रहा था, तो अभी मैं दिमापुर रूम से निकल के अभी मणिपुर स्टेशन जाने के लिए मुझे टैक्सी पकड़ना है, तो मैं अभी टैक्सी पकड़ के मणिपुर स्टेशन जाऊँगा, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद कितने गाड़ी मिलते हैं नहीं मिलते, तो उसके बाद शायद गाड़ी रोकना पड़ेगा या जाने के बाद मिलेगा पता नहीं, तो जाके देखते बनाता हूँ। तो अभी मैं दिमापुर पे हूँ, से आगे टैक्सी पकड़ के जाना है, टैक्सी पकड़ के जाके तो ठीक है, मैं टैक्सी पूछ लेता हूँ भाई। वो मणिपुर स्टैंड जाने के लिए कितना लगेगा? मणिपुर स्टैंड स्टैंड मणिपुर स्टैंड है ना, जो टैक्सी बस का स्टैंड सोमो स्टैंड है ना मणिपुर का, उधर नियर क्या बोलते हैं में नहीं, ये इस तरफ है ना स्टैंड, वो जो ब्रिज का नीचे में स्टैंड है ना, आपको पता नहीं है? इधर ही है, तो एमएसटी का उधर से क्या क्या मिलता है उधर से मणिपुर जाने के लिए? मणिपुर का ही है। क्या क्या मिलता है उधर में? घर पे एक है, घर पे एक है। नहीं मुझे इस तरफ के जाना है, जो वो है ना नीचे में, वो वाला नीचे में जो ऊपर में वो वॉक ओवर का नीचे में, आपको पता नहीं? वो आपको मणिपुर स्टेशन मालूम है? स्पीकर का मणिपुर स्टेशन कितना लेगा? मणिपुर स्टेशन कितना लेगा? मणिपुर स्टेशन कितना लेगा आप? 50 मणिपुर स्टेशन ना, मणिपुर स्टेशन स्टैंड। तो मुझे नहीं एनएसटी स्टैंड है, मणिपुर स्टैंड जाने, मणिपुर जाने वाला स्टैंड, वही तो एनएसटी है, इधर ही है। ठीक है जाओ, नहीं सभी वो स्टैंड तो स्टैंड है ना। तो ठीक है, मुझे भैया बोल रहा है कि 50 बोल रहा है, तो अभी मैं बैग रख लेता हूँ, तो मुझे जहाँ कोई भी स्टैंड पहुँचा दो हो जाएगा। तो ठीक है गाइस, मैंने टैक्सी पकड़ लिया है, तो ये रहा मेरा बैग 3 तो है, तो मुझे ब्लॉग बनाने के लिए बहुत दिक्कत हो रहा है। तो अभी मैं मणिपुर स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, तो अभी मणिपुर स्टैंड पहुंच के देखते हैं। और अभी मैं जो दिमापुर मार्केट पे हूँ, मैं मणिपुर स्टैंड से बहुत दूर बैठा था, तो उधर में इतना अच्छा वाला रूम नहीं था, तो मुझे इधर में इतना अच्छा वाला रूम मिला, तो अभी रूम से निकाल के स्टैंड की तरफ जा रहा हूँ, तो देखते हैं स्टैंड पहुंच के। देखो गाइस, देखो गाइस, मेरा को ये भैया रॉन्ग स्टैंड पे लेकर आया, और अभी ये बोला है मणिपुर स्टैंड नहीं। देखो ये कौन सा स्टैंड है मुझे पता नहीं, मणिपुर स्टैंड तो दूसरे तरफ था। तो नहीं भैया इधर मिस्टैंड, ये मैं दो तीन बार घूमने के लिए आ चुका हूँ उधर में, तो ये मणिपुर स्टैंड है। तो चलो मणिपुर स्टैंड चलो, अब कितना लेगा मणिपुर स्टैंड बोलो? 150 होगा टोटल, 150 टोटल करके दे दूंगा। ठीक है चलो, ठीक है भैया कुछ बात नहीं, तो भैया ने 150 पे ले जाएगा बोल रहे, तो जितना भी मणिपुर से गाड़ी आता है ना इधर ही पार्क होता है। ओके, नया पार्किंग इधर ही बनाया है। ठीक है कोई बात नहीं, मैंने भी एक स्टैंड देखते हैं। तो अभी हम लोग दूसरे स्टैंड पे आ गए था, तो अभी मणिपुर स्टैंड की तरफ जा रहे हैं। अभी पता है ना कौन सा स्टैंड है अभी? तो ठीक है, अभी भैया का पता है, नया वाला। बसन बसन हाँ जी, अभी मेरा नाम लिख रहे, तो उसके बाद कितना बजे में पहुंचेगा ये? ये रहा चार्ज जो 800 है।
मणिपुर जाने वाला टिकट मिल गया है, तो टिकट मिलने के बाद अभी मैं जो हूँ ब्रेकफास्ट करने के लिए जा रहा हूँ। तो ब्रेकफास्ट करने के बाद निकलने वाला इधर से, तो मुझे ब्रेकफास्ट करने के लिए एक होटल ढूंढना है। तो देखते हैं होटल, फूडिंग होटल होगा ना, नहीं मतलब ब्रेकफास्ट वगैरह तो नहीं मिलता होगा ना इधर में? क्या क्या मिलता है इधर में? खाना सिर्फ मिलता होगा, ब्रेकफास्ट करने के लिए कहाँ है होटल? मतलब वो ब्रेकफास्ट सुबह का ब्रेकफास्ट करता है ना, वो इधर में होटल कहाँ मिलेगा? इस तरफ ना। तो मैं इधर से मिला है भैया, खाने के लिए क्या क्या अभी ब्रेकफास्ट के लिए? ब्रेकफास्ट के लिए तो अभी पूरी होगा, पूरी मुझे एक प्लेट दे दो ना। कितना एक प्लेट का? 50। पूरी सब्जी ठीक है दे दो। पूरी सब्जी ऑर्डर किया तो अभी मॉर्निंग के लिए नहीं खा के मैं जाने वाला हूँ मणिपुर। तो जब आधा रास्ता पहुँच जाऊंगा उसके बाद फिर मैं शायद कुमा पहुँच के मैं खाना खाऊंगा मणिपुर नागालैंड का कैपिटल पहुंचे। तो ये रहा आज का ब्रेकफास्ट, दाल को पूरी है और एक ये चना दाल है, तो उसको फिक्स ही बोला है। तो ठीक है अभी खाने के बाद डायरेक्ट जाना है क्योंकि मुझे मणिपुर जाने वाला टैक्सी रोका है। तो अभी मणिपुर निकालने के लिए दिमापुर स्टेशन से गाड़ी मिल चुका है, तो अभी हम लोग निकालने वाला है। तो अभी मैं गाड़ी के अंदर में आ चुका हूँ और ब्रेक वगैरह भी मैंने रख लिया है। तो चलो देखते हैं अभी दिमापुर से गाड़ी निकालने वाला है। तो दिमापुर और मणिपुर का जितना भी बीच में जितना भी सीन आएगा मैं आप लोगों का जितना हो सके आप लोगों को दिखाने का कोशिश करूंगा। तो वीडियो का देखते रहिए। तो अभी थोड़ा देर बाद में हम लोग निकलने वाला है, तो तब तक के लिए आप लोग देखते रहिए वीडियो। पास पे तो अभी एक ढाबा मिला है, तो ढाबा में खाना खाने के लिए रुका है क्योंकि हम लोग सुबह 7 बजे में चलने के लिए शुरू किया था। तो जो हम लोग आया था टैक्सी, तो टैक्सी ही रहा। तो अभी रास्ते के साइड पे हम लोग तो खाना खाने के लिए थोड़ा देर के लिए रुका है। तो खाना खाने के बाद फिर हम लोग इधर से चलना शुरू करेंगे। तो अभी बोल रहे कि रास्ता पे गाड़ी नहीं रुकेगा, वो डायरेक्टली मणिपुर के लिए निकालेगा। तो मैंने एक्चुअली चाय ऑर्डर किया था, तो कैंसिल करके फिर मैंने खाना ऑर्डर किया है। तो मैंने चिकन राइस ऑर्डर किया है, तो ये रहा कुछ आलू फ्राई ओनियन और रहा चिकन। तो अभी मैं खाना खाने जा रहा हूँ, उसके बाद देखते हैं।
अभी मैं मणिपुर पहुंच चुका हूं और अभी सेनापति डिस्ट्रिक्ट पहुंच चुका हूं। तो आज का वीडियो इतना ही रहेगा। तो भैया मुझे रिसीव करने के लिए आ गया है, तो आज बहुत थक चुका है, तो कल से मैं वीडियो कंटिन्यूस बनाऊंगा। तो आज का ब्लॉग इतना ही था और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो गाइस अगला वीडियो मिलते हैं और आप लोगों को मैं पीछे का सीन थोड़ा दिखा दूंगा।